1 जुलाई 2023 कनाडा का 156 इंडिपेंडेंट डे मनाया जा रहा है। कनाडा के मुकीम जितने भी लोग जो कनाडा के रहायशी हैं, आज ही के दिन बड़े जोश व जज्बे के साथ इस दिन को मनाते हैं। आज ही के दिन वहां पर बहुत सारे प्रोग्राम्स का अहतमाम किया जाता है, चर्चिज में इबादतों का अहतमाम किया जाता है। दूसरे मुल्कों से जो आए हैं वो भी आज के दिन को बड़े जोश व जज्बे के साथ इस दिन को मनाते हैं। कनाडा के अंदर पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी और बहुत सारे मुल्कों से जो लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, उन्होंने कनाडा के इस दिन के लिए बड़ी खुशी का इजहार किया। आज के दिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, जो कि बड़ी मेहनत और बड़ी लगन से कनाडा के अंदर काम कर रहे हैं, कनाडा में जितने भी नेशनैलिटी होल्डर हैं जिसमें मुख्तलिफ मजहब के लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनके त्यौहारों पर वो बाकायदा तौर पर ऑफिशियली उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। प्रीमियर ऑन कनाडा डुक फोर्ड, मेयर ऑफ ब्रैम्पटन ऑन कनाडा पैट्रिक ब्राउन और बहुत सारे वज़रा वहाँ पर बड़ी खुशी से कनाडा में काम कर रहे हैं। इस इंडिपेंडेंट डे के ऊपर कनाडा के मुकीम रेवरेंड योएल भट्टी, जो कि अरसा दराज से वहाँ पर मुकीम हैं, वो भी अपनी कम्युनिटी में बड़ा काम कर रहे हैं। वहाँ पर जितने भी इवेंट होते हैं पीस के हवाले से, अमन के हवाले से, वहाँ पर रेवरेंड योएल भट्टी बड़ी खुशी से वहाँ पर काम करते हैं। 2 जुलाई को वहाँ पर नासर जमील, जो कि पास्टर कनाडा में हैं, उनके चर्च में इबादत का भी एहतमाम किया गया है। कनाडा के इंडिपेंडेंट डे के ऊपर कनाडा के रहायशी और कनाडा से बाहरी लोगों ने भी बड़ी खुशी का इजहार किया और कनाडा को मुबारकबाद पेश की। जिन दोस्तों में पाकिस्तान से मुफ्ती सईद आशिक हुसैन, यूके से जवेद अनायत, किरण चांद बाबा, निकी डी पीना, इटली से डॉक्टर फ्रेंका क्लोजो, इंडिया से मिली दास, यूएसए से रेवरेंड डॉक्टर रोबन यामीन, सुहेल असलम और कनाडा के रहने वाले और भी लोगों ने खुशी का इजहार किया, जिनमें सिरे फहरस्त रेवरेंड योएल भट्टी, जो कि पिछले दिनों उन्होंने गोल्डन जुबली की इबादत का अहतमाम करवाया, उनको 50 साल से ज़्यादा वहाँ पर खिदमत करते हो गए हैं। योएल भट्टी साहब जो कनाडा में रहते हैं, उन्होंने खुद भी अपनी कौम की खिदमत कर रहे हैं और साथ साथ लोगों को भी कहते हैं कि अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ करें। इस इंडिपेंडेंट डे के ऊपर कनाडा से भी लोगों ने मुबारकबाद पेश की, जिसमें पास्टर मैथ्यू गिल, डॉक्टर डेविड चार्ल्स और बहुत सारे लोगों ने कनाडा के इंडिपेंडेंट डे के ऊपर मुबारकबाद पेश की। कनाडा के लिए, उसकी सलामती के लिए, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के लिए कनाडा में ही इंडिपेंडेंट डे के ऊपर इबादतों का अहतमाम किया गया, जिसमें सेरे फहरिस्त योएल भट्टी साहब ने भी इबादत का अहतमाम करवाया और साथ ही साथ नासर जमील साहब का जो चर्च कनाडा के अंदर है, उन्होंने भी 2 जुलाई को वहाँ पर इबादत का अहतमाम किया। और क्रिश्चियन न्यूज़ 24/7 के एज अ डायरेक्टर और एंकर पर्सन साजिद गौरी कनाडा के इस दिन के हवाले से, जो कि इंडिपेंडेंट डे है, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ।